बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को इंदौर पहुंचे। इस मौके पर पाकिस्तान से आए विस्थापितों की एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज मौजूद रहे। इस दौरान तमाम भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर सीएए को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच अब बीजेपी भी सक्रिय हो गई है। इसी को लेकर अब बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली से निकलकर आम लोगों से, खासकर इस कानून से लाभान्वित होने वाले पाकिस्तान से आए विस्थापितों से संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा इंदौर पहुंचे और पाकिस्तान से आए विस्थापितों से मिले। इस दौरान प्रदेश बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद रहे और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पाकिस्तान और कांग्रेस को जमकर लताड़ा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम नरेंद्र मोदी को इन विस्थापितों के लिए भगवान बताया। सरकार हुआ करती थी, उन बेटियों ने और बहनों ने आंखों में आंसू भर के कहा था, हमारे घर जला दिए गए, हमारी संपत्तियां लूट ली गई, वहां मंदिर में नहीं जा सकते, वहां पूजा पाठ नहीं कर सकते, वहां होली दिवाली दशहरा नहीं मना सकते। और केवल इतना नहीं है मामा, बेटियां उठा ली जाती है, उनका अपहरण किया जाता है, उनके साथ बलात्कार होता है, जबरदस्ती निकाह करवा दिया जाता है और कोई ना माने तो उसकी हत्या करके उसको फेंक दिया जाता है उस नरक की आग में जलने। हमें मत भेजो। और तब मैंने यहाँ कलेक्टर और एसपी से कहा था, वीजा खत्म हो गया तो हो गया, ये इसी धरती पर, इंदौर की पवित्र धरती पर, माँ अहिल्या देवी की धरती पर रहेंगे और काम धंधा करेंगे, ये इंदौर छोड़ कर नहीं जाएंगे। लेकिन आज धन्य नरेंद्र मोदी, मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं, मैं हृदय से कह रहा हूं, उस समय हम लोगों ने प्रयास किया कि हमारे भाई बहनों को जाना ना पड़े, हमने जाने नहीं दिया, लेकिन भगवान ने जिंदगी दी, मां ने जन्म दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आपने इनको नया जीवन दिया, मान दिया, सम्मान दिया। नरेंद्र मोदी आप भगवान से कम नहीं हो, वो तो सही कह रहा हूं कि नहीं, एक पर बताओ सही कह रहा हूं कि नहीं। हमें जीवन, हमें मान दे, हमें सम्मान दे, हमारी इज्जत की रक्षा करे, वो भगवान से कम कहां है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि सीएए कानून से कांग्रेस को तकलीफ हो रही है, कांग्रेस इस कानून के प्रति लोगों को भ्रमित कर रही है और उन्हें डरा रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि देश को दूसरी आजादी 13 दिसंबर 2019 को मिली, जब संसद से नागरिकता संशोधन विधेयक पारित हो गया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समाज पर हो रहे अत्याचार को सुनकर मन व्यथित हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, जो उस कानून का विरोध कर रहे हैं, कि अगर ये लोग भारत में नहीं आएंगे तो दुनिया के किस देश में इनको जगह मिलेगी? अरे ये अखंड भारत का हिस्सा रहे हैं ये लोग, इसी अखंड भारत की मिट्टी में जन्मे हैं ये लोग। काल और परिस्थितियों ने अलग देश का निवासी बना दिया, लेकिन अंततः तो भारत माता के पुत्र ही हैं, भारत माता की बेटियां ही हैं। कांग्रेस को तकलीफ हो गई, कोई कानून ऐसा पारित नहीं हुआ।
पाए नागरिकता, देने वाला कानून है, नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है। लेकिन देश को भ्रमित करने का कांग्रेस का कुचक्र प्रारंभ हो गया। समय कम है, लंबा समय नहीं लूंगा, लेकिन इस मध्य प्रदेश में जहां एक और शिवराज सिंह चौहान मंच पर बैठे हैं, जिन्होंने उनके समय में जब लोग यहां पर आए थे तो कहा था कि इनको यहां से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, इनकी रक्षा इस सरकार करेगी, वही शर्मनाक स्थिति है। आज कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है और वो कहते हैं कि ये कानून इस प्रदेश में लागू नहीं होगा। अरे देश में संविधान है, संघीय ढांचा है, आप चाहो भी कमलनाथ जी तो उस कानून को लागू करने से रोक नहीं सकते। व्यर्थ की राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करो। कहते हैं 25 तारीख को यात्रा निकालेंगे कानून के विरोध में। अरे गांधी जी की बात याद कर लीजिए कमलनाथ जी, और अगर आप में हिम्मत है तो आज जिन लोगों ने अपनी प्रताड़ना, अपनी व्यथा यहां पर खड़े होकर बताई है, इसको सुनने के बाद भी अगर आपके आंसू ना निकले तो धिक्कार है आप पर और आपकी पार्टी पर। लेकिन ऐसे लोगों को इस देश की नागरिकता लेने से रोको मत। मित्रों, भारतवर्ष देश है, भारतवर्ष कोई धर्मशाला नहीं है। जो आया अपना घर बसाया या किसी मस्जिद में रहना शुरू किया, किसी कयाम गाय में रहना शुरू किया या फिर किसी ऐसे स्थान पर रहना शुरू किया जहां राष्ट्र विरोधी गतिविधियां संचालित होती, पाकिस्तान से आए, अफगानिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए और कहीं से आए, इस देश का खाना, इस देश की मिट्टी में जो जल जो अनाज पैदा होता है उस अनाज पे अपना पेट भरना, हमारी नदियों का पानी पीना, यहाँ पर पलना बड़े होना और उसके बाद इसी देश में देश विरोधी गतिविधियों को चलाना, बम विस्फोट करना, आतंकवाद फैलाना, विदेशों के लिए जासूसी करना, यह सब रोकने का काम यदि नरेंद्र मोदी जी ने किया है, अमित शाह जी ने किया है, नड्डा जी ने किया है, आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सबको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं उनके लिए जिन्होंने देश की आजादी। वास्तव में देश में आजादी तो आदि तो हमको मिल गई थी 1947 में, लेकिन वास्तविक आजादी यदि मिली है तो आजादी मिली 13 दिसंबर 2019 को, जब ये बिल पास हो गया लोकसभा के अंदर। हमारे भाई बहनों के दुर्दर्द मैंने सुने, यहां पर चित्र प्रदर्शनी भी लगी, हृदय मर्माहत हो जाता है देख के हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरानी पीढ़ी के लोगों ने किस प्रकार के दर्द सही हो, अपने नौनहालों को माताएं अपने कंधों पर उठाए, अपने सीने से चिपकाए, एक छोटी सी पटरिया को लेके उस गठरी में थोड़े से खाने का सामान, थोड़े से चावल गेहूं में आटा होता, दो तीन जोड़ी पहनने के कपड़े होते थे, गर्म कपड़े भी नहीं होते, साल साल भर लाशों की लगातार भरी हुई ट्रेनें आई, किसी के सर कटे हुए, किसी के हाथ कटे हुए, किसी की आंखें निकाल ली गई थी, किसी के पैर काट दिए गए थे, ऐसे दृश्य देखने के लिए मिलते हैं तो संयोग था। उस समय वीडियो फिल्में नहीं बनती थी, उस समय कलर फिल्में नहीं बनती, नहीं तो हो सकता कि इस देश में एक भी गद्दार बाकी नहीं बचता जिसकी कांग्रेस पक्ष उधर, एक भी गद्दार बाकी नहीं बचता। कार्यक्रम के बारे में सांसद शंकर लालवानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के बनने से मध्य भारत में सिंधी समाज सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने जो ये कानून नागरिकता संशोधन कानून जो पास किया उसको लेके, खास करके अगर हम कहें तो इस मध्य क्षेत्र में, मध्य भारत में सिंधी समाज सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, और ये प्रभावित उनको नागरिकता देने के लिए एक नया रास्ता खुला है। इस बात को लेके हमने उनसे निवेदन करा था कि हम आपको आभार, धन्यवाद, स्वागत, वंदन करना चाहते हैं, तो उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और आज जो विस्थापित होकर यहाँ है, जिनको नागरिकता मिली है और जो मिलने वाली, वो सब लोग मिलकर उनका स्वागत, अभिनंदन करेंगे, और हम चाहते हैं कि
ये लाभ उन सबको मिले जो 30-40 साल से पीड़ित थे। CAA और NRC को लेकर देश के साथ साथ प्रदेश की सियासत में उबाल आ चुका है। CAA को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ते हुए BJP ने अपनी मंशा साफ कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।